नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं साहित्य का इतिहास, अर्थ विवेचन, कुछ परिभाषाएं और कुछ अंतःसाक्ष, जिसके आधार पर जो हमारे प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं, कुछ बाह्य साक्ष्य को देखेंगे। उसके बाद हम इतिहास लेखन की पद्धति भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साहित्य का इतिहास, अर्थ विवेचन। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, तो साहित्य का थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को फ्रेश दिखाई दे। ठीक है, पिछली वीडियो में आप लोगों की शिकायत थी कि फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। तो चलिए, इस वीडियो में जो है मैं इसको बड़ा कर दिया है, अब स्पष्ट आपको दिखाई देगा। साहित्य का इतिहास, अर्थ विवेचन, हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है, इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही घटित हुआ। इतिहास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि ऐसा ही घटित हुआ। अतीत के प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति का वर्णन कालक्रम की दृष्टि से करना इतिहास है। एक परिभाषा बन के आती है कि इतिहास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ बना हमारा, ये बना कि ऐसा ही घटित हुआ। ये तो हो गई हमारी क्या परिभाषा। इसके बाद है अतीत के प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति का वर्णन कालक्रम की दृष्टि से करना। अगर कालक्रम की दृष्टि से अगर हम कर देते हैं, अतीत यानी जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनके प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं उसकी प्रवृत्ति का वर्णन अगर हम कालक्रम की दृष्टि से कर दें तो वो इतिहास बन जाता है। ठीक है, कह रहे हैं साहित्य का इतिहास वह है, साहित्य का इतिहास वह है। अभी तो हम इतिहास को देख रहे थे, अब साहित्य के इतिहास की बात करते हैं। तो साहित्य का इतिहास वह है जिसमें हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। साहित्य का इतिहास क्या है? साहित्य का इतिहास वह है जिसमें हम साहित्य की रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। देखिए, किसी विद्वान का कथन है, विद्वान का नाम है तेन महोदय का कथन है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। तीन चीज़ों पर जोर देते हैं, एक तो जातीय पर, जाति पे देते हैं। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे देखिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तेर ने जाति पर, कामा वातावरण तथा क्षण विशेष पर बल दिया है। ठीक है, किस पर? क्षण विशेष पर बल दिया है। तो ये पॉइंट आप याद करिए, जाति, वातावरण तथा क्षण विशेष पर बल किसने दिया? तेर ने। इसी पर बल दे करके इन्होंने साहित्य की परिभाषा दी हुई है। और आगे देखते हैं कुछ परिभाषाएँ, हम परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल का परिभाषा ये है कि प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये तो इतना ही कथन दे देता है, यहीं पे लगा लीजिए, और दूसरा यहाँ से शुरू हो जाता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। कह रहे हैं कि जब मनुष्य की चित्तवृत्ति अगर बदलेगी, हमारा जो साहित्य है जनता की चित्तवृत्ति का जब संचित प्रतिबिंब है,
तब यह निश्चित हो जाता है कि यदि जनता का चित्तवृत्ति में परिवर्तन होगा तो उसके साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा। यह आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। ठीक है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। आपको चित्तवृत्ति वाला जो कथन है वो ध्यान रखना है, नहीं याद हो पा रहा है तो यहाँ से पॉइंट को देखिए। चित्तवृत्ति वाला कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला कथन देखते हैं साहित्य के बारे में, साहित्य के इतिहास के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए, वही साहित्य है। डॉक्टर नागेंद्र का कथन। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत का आधार दो भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो स्रोत हैं उनके आधारों को दो भागों में बांटा जा सकता है। जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखे, चाहे शुक्ल जी लिखे हों, चाहे बच्चन सिंह लिखे हों, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखे हों, चाहे जो भी लिखे, तो उन्होंने जो इस इतिहास के लिए जो स्रोत जुटाया वो दो प्रकार के स्रोत थे। एक तो अंतःसाक्ष्य था और एक बाह्य साक्ष्य था। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतःसाक्ष्य। अंतःसाक्ष्य के रूप में उपलब्ध प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ थे जो अंतःसाक्ष्य के रूप में उपलब्ध थे? पहला है 84 वैष्णव की वार्ता, जिसके लेखक हैं गोकुलनाथ। याद रखेंगे, प्रश्न बनेगा, बार बार बनेगा। 252 वैष्णव की वार्ता, जिसके लेखक हैं गोकुलनाथ। तीसरा साक्ष्य है भक्तमाल, और भक्तमाल के लेखक हैं नाभादास। चौथा देखिए, नाभादास किसके रचनाकार हैं? भक्तमाल के। अब देखिए, थोड़ा सा मैं और इसको बड़ा करता हूँ, अब बड़ा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब, ये भी जो है अंतःसाक्ष्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है। गुरु अर्जुन देव का ये ग्रंथ है। मूल गोसाई चरित्र, बार बार ये प्रश्न बना है, मूल गोसाई चरित्र किसकी रचना है? बिनी माधव दास की। भक्तमाल, भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है, ये भी अंतःसाक्ष्य के रूप में प्रयुक्त की गई है। कविमाला, कविमाला तुलसी और कालिदास हजारा है, ये भी इतिहास के रूप में अंतःसाक्ष्य का कार्य करता है। कालिदास हजारा, कवियों का वर्णन इसमें मिलता है, कवियों का जो है जिक्र मिलता है। तो कालिदास त्रिवेदी का ये रचना है, ये भी प्रश्न बन चुका है। काव्य निर्णय भिखारीदास का, और कवि नामावली, एक भक्त नामावली थी ध्रुवदास का, और कवि नामावली जो है सूदन का है। किसका है? सूदन का। ठीक है, शिव सिंह सरोज, ये भी जो है हमारे इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में बहुत मददगार है। शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ है। अब देखते हैं कुछ बाह्य साक्ष्य के रूप में उपलब्ध प्रमुख ग्रंथ। कबीर एंड दी कबीर पंथ, याद रखेंगे, बेस्कट की रचना है। कबीर एंड दी कबीर पंथ। नागरी प्रचारी सभा का जो खोज रिपोर्ट है वो बाह्य साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त होती है। इसको खोजने वाले जो हैं, नागरी प्रचारी सभा की जो खोज रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करने वाले हैं श्याम सुंदर दास और मिश्रबंधु विनोद। तो मिश्रबंधुओं की रचना है, इतिहास ग्रंथ है। तीसरा देखिए, राजस्थान में हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज हुई। बहुत सारे हस्तलिखित ग्रंथ जो है राजस्थान में भी मिले, और तो उनके आधार पर मोतीलाल मुनरिया जो है राजस्थान से वीर काव्य, वीरतापरक जितनी रचनाएं हैं उनको इकट्ठा किया। राजस्थानी भाषा के इतिहासकार माने जाते हैं, आलोचक माने जाते हैं
विद्वान माने जाते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। तो इन्होंने एक खोज रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, हस्तलिखित खोजों को इन्होंने प्रस्तुत किया था, तो वो भी जो है एक बाह्य साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त होता है। अब देखिए इतिहास लेखन की पद्धति, अब हम बात करते हैं इतिहास लेखन की पद्धति, किसकी बात करते हैं, इतिहास लेखन की पद्धति। आप लोग चाहें तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा नोट्स बनने वाला है, तो साथ साथ जो है कापी पेन अपने पास रखें और नोट्स करते रहें, तभी फायदा है, अन्यथा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इतिहास लेखन की कुछ पद्धतियाँ बताई गई हैं, कितनी पद्धतियाँ हैं तो देख सकते हैं, पहल एक दो और नीचे देखिए तीन और चार, टोटल कुल चार पद्धतियाँ बताई गई हैं, ठीक है, चार पद्धतियाँ बताई गई हैं। पहली पद्धति का नाम दिया गया है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति वर्णों के आधार पर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लेकर के या वर्णों को लेकर के एक एक कवियों का जो है जैसे जैसे नाम आता गया उसी क्रम पे लिख दिया गया है। सन के हिसाब से नहीं, डेट के हिसाब से नहीं, समय के हिसाब से नहीं, नाम के क्रम में लिखा गया है, ठीक है। जैसे अगर ए नाम से किसी कवि का नाम आ गया, ए नाम से किसी कवि का नाम अगर आ गया अ से, तो पहले अ से, अब अ वाले जितने आएंगे सबको लिखा जाएगा, फिर आ वाले, वैसे ही करके अब डट डट कर करते करते चलेंगे। अगर मान लीजिए क से नाम चल रहा है तो पहले क वाले का चलेगा, फिर ख वाले का चलेगा। तो अब यहाँ क्या होता है कि अगर क से नाम कणहप्पा आ रहा है, कणहप्पा, तो क से यहाँ कबीर भी हो जाएंगे, तब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जबकि कणहप्पा का समय दूसरा है और कबीर का समय दूसरा है, और केशवदास ये भी आ जाएंगे यहीं पर क से, ठीक है, केशवदास। तो यहाँ नाम के एक आगे वाले अक्षर को उठा करके और उनको क्रम में बैठाया गया है, ठीक है। तो ये इसी वजह से ये जो पद्धति है ये बुरी पद्धति है, क्योंकि यहाँ समय क्लियर नहीं हो पाता है कि इनकी प्रवृत्ति क्या रही है, किस समय रहे हैं, किस उस समय की परिस्थितियाँ क्या रही है, तो ये कवि के ऊपर जो है अस्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता है, क्यों, क्योंकि कालक्रम इनका इसमें प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी वजह से इस पद्धति को भद्दी पद्धति कहा जाता है, याद रखना, किस पद्धति को भद्दी पद्धति कहा जाता है, तो वर्णानुक्रम पद्धति को भद्दी पद्धति कहा जाता है। इससे थोड़ा बेस्ट पद्धति आती है, कौन वाली, कालानुक्रम पद्धति, इससे थोड़ा बेस्ट है, ठीक है। कालानुक्रम पद्धति जो है वर्णानुक्रम पद्धति से थोड़ी अच्छी है, और इस पद्धति में जो इतिहास लिखा गया है वो ग्रियर्सन का लिखा गया और मिश्र बंधु का लिखा गया, और वर्णानुक्रम पद्धति में किसने इतिहास लिखा, तो गारसा दत्तासी लिखते हैं और शिव सिंह सिंगर, ये दो लोग वर्णानुक्रम पद्धति में क्या करते हैं, अपना इतिहास ग्रंथ लिखते हैं, ठीक है। वर्णानुक्रम पद्धति के इतिहासकार कौन कौन है, प्रश्न बन सकता है कि वर्णानुक्रम पद्धति के इतिहासकार, तो गारसा दत्तासी, ठीक है, एक मिनट, हाँ, गारसा दत्तासी और कौन है, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। तो ये दोनों लोग जो है वर्णानुक्रम पद्धति में लिख रहे हैं, लेकिन कालानुक्रम पद्धति की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सुधार इस वर्णानुक्रम पद्धति से मिलता है, किसमें, कालानुक्रम पद्धति, इसमें ग्रियर्सन है और कौन है, मिश्र बंधु है, ये दोनों लोग लिखते हैं, और इसमें दो लोग कौन है, तो गारसा दत्तासी हैं और कौन है, शिव सिंह। तो आपसे प्रश्न ये बन सकता है वर्णानुक्रम पद्धति में लिखने वाले, अपने ग्रंथ को लिखने वाले इतिहासकार कौन है, तो आप बता सकते हैं या किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है या वर्णानुक्रम पद्धति में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, इस टाइप से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो पद्धति हमारी आती है वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, कौन सी पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति है। अब वैज्ञानिक पद्धति में कौन लिखते हैं? तो वैज्ञानिक पद्धति में लिखने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। कौन लिखते हैं? गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं। तो प्रश्न ये बन सकता है वैज्ञानिक पद्धति किस इतिहासकार ने अपनाया है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। अब आता है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में लिखने वाले इतिहासकार, ठीक है, विधेयवादी पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए ये पद्धति सबसे श्रेष्ठ पद्धति मानी गई है। कौन? विधेयवादी पद्धति, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति। ये कैसी पद्धति है? सबसे विकसित पद्धति है। जो चार पद्धतियां हमने बताया, चारों पद्धति में ये सबसे विकसित पद्धति है। और इसके जनक कौन है? तेन। इसके जनक तेन है, लेकिन हिंदी में इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो शुक्ल जी ने किया, ठीक है, शुक्ल जी ने किया था। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, अब बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन कौन रहे हैं। मोस्ट टॉपिक है आपका सामने ये, तो मैं थोड़ा सा इसका कलर ले लेता हूँ, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ की बात करते हैं, तो हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी को है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसी भारतीय को नहीं है, फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी, याद रखेंगे गार्सा द तासी, ठीक है। आगे देखिए, इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। क्या नाम है इनके पुस्तक का? तो इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इसका प्रथम भाग जो है 1839 ईस्वी में आ गया था। इसका पहला भाग 1839 में आया और इसका दूसरा भाग 1847 में आया। ये प्रश्न बनते हैं, कई बार बनते हैं कि गार्सा द तासी के जो इतिहास ग्रंथ है उसका पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1839 में। दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1847 में। और इसका जो दूसरा संस्करण, दूसरा भाग नहीं है, दूसरा संस्करण आता है, वो आता है 1871 में। इसका संशोधन करके, दूसरा संस्करण का मतलब क्या है, इसको और थोड़ा सुधारा जाता है, जो त्रुटियाँ रहती है उसको सुधार करके फिर प्रकाशित किया गया 1871 में। और जब 71 में ये आया, तो देखिए इससे पहले आया था तो दो भागों में था, और जब 1871 में आया तो इसके तीन खंड हो चुके थे, इसके तीन भाग थे, ठीक है। जब यही सुधारा गया इसको कि इसको तीन खंडों में कर दिया गया, 1871 में जब ये आया तो इसके तीन भाग हो चुके थे, ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है कि गार्सा द तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लालित्रित्वर इंदुई हिंदुस्तानी का प्रकाशन वर्ष 1839, और द्वितीय भाग का प्रकाशित हुआ तो 1847 में, और इसका दूसरा संस्करण 1871 में आया। ये प्रश्न ये बनता है कि इसके दूसरे संस्करण में कितने भाग हैं? तो तीन भाग हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथों की समीक्षा की, कि क्या इसमें कमी है, क्या इसमें त्रुटियां हैं, उसकी बात कर लेते हैं, या क्या अच्छाइयां हैं, क्या खूबियां हैं, इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें हिंदी के 72 कवि हैं, हिंदी के कितने हैं? 72 कवियों का परिचय दिया गया है, जबकि कुल कवियों की संख्या 738 है। यानी देखा जाए यहाँ पर तो कुल कवि, और ऊपर लिखा जा सकता है हिंदी के कवि बराबर 72/738। 738 में से 72 कवि ही हिंदी के हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं,
कि उन कितनी कवियों को शामिल किया गया था, 738 कवियों को। उसमें हिंदी के कितने कवि हैं, तो 72 कवि हैं। ये किस पद्धति में लिखा गया है, तो अभी हमने चार पद्धति जो बताया है उसमें से ये वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। किस पद्धति पर आधारित है, वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। शुक्ल जी ने इसे कवि वृत्त संग्रह कहा है, पॉइंट नोट करेंगे, शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है, कवि वृत्त संग्रह। शुक्ल जी कहते हैं कि ये इतिहास ग्रंथ नहीं है, ये तो कवि वृत्त संग्रह है। क्या है, कवि वृत्त संग्रह है, याद रखेंगे। शुक्ल जी ने इसे कवि वृत्त संग्रह का नाम दिया है। ये किस भाषा में है, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ें, यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अब प्रश्न ये देखिए बहुत मुश्किल है, ये प्रश्न बार बार बनता है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो हम इसी इतिहास ग्रंथ का नाम लेंगे, इस्त्वार द लालित त्रितूर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, किस इतिहास ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं, इस्त्वार द लालित त्रितूर एंदुई हिंदुस्तानी की। ठीक है, अब बात करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। अभी ये इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में है, तो इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। किसने किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। क्या नाम दिया, जब इसका हिंदी अनुवाद किए तो उन्होंने नाम दिया हिंदुई साहित्य का इतिहास, और ये कब आया, 1952 में, ये पॉइंट याद रखना है। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, कब आया था, 1952 ईस्वी में। यह अनुवाद गारसादत्तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद कब आया, 1952 ईस्वी में। किस नाम से आया, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से आया। किसने किया था अनुवाद, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। अब बात करते हैं मौलवी करमुद्दीन, एक और व्यक्ति हैं मौलवी करमुद्दीन, ये इनको उर्दू बहुत आती है, ये उर्दू भाषा के जो है आप कह सकते हैं जानकार हैं, विद्वान हैं। इन्होंने उर्दू भाषा में गारसादत्तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद ही किया है, मान के चलिए इन्होंने क्या किया, अनुवाद ही किया, और उन्होंने नाम दिया तौकात सुअरा ससुअरा हिंदी। ठीक है, और दूसरा द्वितीय संस्करण जब आया, अब उसका नाम पहली बार आया था तो तौकात ससुअरा हिंदी था, अब जो द्वितीय संस्करण उसका आया तो तजकिरा ईश्वराई हिंदी, तो आपको यही नाम बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तजकिरा ईश्वराई हिंदी। एक प्रकार से देखा जाए तो ये इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ लिखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो गारसादत्तासी के इतिहास ग्रंथ का ही अनुवाद है। ठीक है, वो फ्रेंच भाषा में है, ये उर्दू भाषा में है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी का दूसरा इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ तो गारसादत्तासी का है, इस्त्वार द लालित त्रितूर एंदुई हिंदुस्तानी, लेकिन हिंदी का दूसरा इतिहास ग्रंथ कौन है, तो शिव सिंह सरोज है। किसने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। ये कब आया, ये आता है 1883 ईस्वी में। कब आता है, 1883 ईस्वी में आता है। पॉइंट को याद करेंगे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, और लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। किस भाषा में है, तो हिंदी भाषा में। ये शिव सिंह सेंगर हिंदी के विद्वान रहे हैं, तो हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा है, और इनका भी इतिहास ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति पर ही है। आगे देखते हैं, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ की समीक्षा करते हैं नीचे, तो यह हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। वैसे तो ये हिंदी का दूसरा इतिहास ग्रंथ है, लेकिन हिंदी भाषा में लिखा हुआ हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। इसकी भाषा कैसी है, तो हिंदी है, आप कह सकते हैं भाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, भाषा हिंदी है। चलिए, भाषा हिंदी है, यह भी वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। ये किस पद्धति पर आधारित है, तो आप कह सकते हैं वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। ठीक है, किस पद्धति पर है,
वर्णानुक्रम। तो दो इतिहास ग्रंथ मिल गए ना, शिव सिंह सरोज और इस्तवार दलाली त्रितुर हिंदुई हिंदुस्तानी, दोनों इतिहास ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति पर है। इसमें कुल कवियों की जो संख्या बताई गई है वो 1000 बताई गई है, 1003 है, ठीक है, लगभग 1000 कह सकते हैं। तो 1003 कवि हैं इसमें, जिसमें हिंदी के 669 कवि, आपने देखा गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ में केवल 72 कवि हिंदी के थे, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में 669 कवि हिंदी के बताए हैं। टोटल 1003 कवियों को लिए हैं, उसमें से 669 कवि हिंदी के हैं। शिव सिंह सेंगर ने इसमें हिंदी का प्रथम कवि, अब बात यहाँ पे आ गई, देखिए हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है। किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने माना है, केवल शिव सिंह सेंगर मांगे हैं, बाकी लोग नहीं मानते हैं इस बात को, ठीक है, अभी सर्वमान्य मत नहीं है। ये जो माना है शिव सिंह सेंगर ने माना है कि हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड है, किस इतिहास ग्रंथ में? अपने ये शिव सिंह सरोज में, ठीक है, शिव सिंह सरोज में लिखते हैं कि हिंदी का जो है हिंदी का जो पहला कवि है वो पुष्य या पुंड नाम का कोई कवि है। शुक्ल जी इसे भी वृत्त संग्रह कहते हैं, और शुक्ल जी जो है इसे भी कहते हैं कि ये भी क्या है, इतिहास ग्रंथ ना हो करके ये भी कवि वृत्त संग्रह ही है, ये भी एक वृत्त संग्रह है, ठीक है, कौन मानता है? शुक्ल जी। तो शुक्ल जी ने इन दोनों इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह कहा है, ठीक है, कवि वृत्त संग्रह। आगे चलते हैं, शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा है, ये पॉइंट याद करिए, छप्पयों का राजा, ठीक है, किसका राजा? छप्पयों का राजा। ये तो चलेगी नहीं, थोड़ा सा मैं कलर दूसरा लेता हूँ जो चलता हो। चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा किसने बताया? चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में कहा है कि चंद्रवरदाई जो है वो छप्पयों का राजा है। चंद्रवरदाई वही पृथ्वीराज रासो जो रचना लिखे हैं उसमें बहुत सारे छप्पय छंद का प्रयोग किए हैं, इसी वजह से इनको जो है वो छप्पयों का राजा कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले विद्वान की ओर, जो अंग्रेजी के विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, उनका एक इतिहास ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है, कहाँ गया, नीचे होगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको मैं थोड़ा सा देखिए, ये है जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस इतिहास ग्रंथ को वास्तविक रूप में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करेंगे आप, इस पॉइंट को नोट करेंगे कि वास्तविक रूप में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है। तो आपको मैं दिखा दूं, ये है, ठीक है, कौन है ये, वास्तविक रूप में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह कब आया था? 1889 ईस्वी में, याद रखेंगे 1889 ईस्वी में। और कहाँ आया, कहाँ सबसे पहले प्रकाशित हुआ? तो एक पत्रिका निकलती थी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, विशेष अंक के रूप में प्रकाशित हुआ था। जैसे कोई पत्रिका निकलती है तो उस पत्रिका का जो है कोई जो है विशेष अंक होता है, उस विशेष अंक के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को प्रकाशित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका है, उस पत्रिका के विशेष अंक के रूप में इस ग्रंथ को 1889 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अब देखेंगे ग्रियर्सन की ग्रंथ की जो है समीक्षा करेंगे, केवल यहीं तक आज की वीडियो में रखेंगे। तो ग्रियर्सन के ग्रंथ की समीक्षा थोड़ा सा हम कर लेते हैं, इसमें क्या है, खूबी क्या है और कमी क्या है, दोनों देख लेते हैं।
तो सच्चे अर्थों में माने जाने वाला, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, सच्चे अर्थों में माने जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसे कहा जाता है। पहला पॉइंट, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, बन नहीं पा रहा है, बहुत लंबा हो जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन ही कर देता हूँ। ठीक है, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, ये मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट है, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं, यह अंग्रेजी किस भाषा में है? तो नाम से ही देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस भाषा में है? तो अंग्रेजी भाषा में है, अंग्रेजी विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन, तो अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं। अंग्रेजी भाषा में हिंदी का लिख दिए हैं, ठीक है, हिंदी का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा में एक पॉइंट तो ये बन गया कि ये किस भाषा में है, तो अंग्रेजी भाषा में है। इसमें कुल कवियों की संख्या जो बताई गई है 952 बताई गई है, जो लगभग 1000 के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, तो लगभग 1000 विकल्प में दिया रहे तो लगभग 1000 भी सही है, 952 दिया है तो 952 भी सही है। ठीक है, यह इतिहास ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति नहीं, दूसरी पद्धति हमारी कौन सी थी? कालानुक्रम पद्धति, उस पद्धति में इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है। इसमें काल विभाजन का पहला प्रयास, मोस्ट चीज़ें यहाँ एक दिया हुआ है। इसमें जो है काल विभाजन, अब तक जो है काल विभाजन का प्रयोग नहीं किया गया था, यानी समय के अनुसार काल के अनुसार जो है बंटवारा नहीं किया गया था, यहाँ जो है पहली बार जो है काल विभाजन किया गया है। तो ये पॉइंट आपका जो है मोस्ट बनने वाला है। ठीक है, मोस्ट, इसमें काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया है। आगे चलते हैं, इस इतिहास ग्रंथ को 11 युगों में बांटा गया है। पॉइंट याद करेंगे, इस ग्रंथ को 11 युगों में बांटा गया है, जबकि इसमें कुल 12 अध्याय है। अगर अध्याय पूछे तो आप बताएंगे 12 अध्याय, कितने युगों में बांटा गया है तब आप बताएंगे 11 युगों में। ग्रियर्सन ने, यानी 11 भागों में बांटा गया है, ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ग काल कहा है, ये मोस्ट पॉइंट है। इनकी नज़रें इतनी तीव्र थी कि ये भक्ति काल को सबसे पहले ही समझ गए, बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में, इसीलिए इसका नाम उन्होंने रख दिया स्वर्ण काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले विद्वान कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्ता ने, अब देखिए, अब अंग्रेजी भाषा में है तो इसका तो हिंदी अनुवाद होगा, जैसे वो फ्रेंच भाषा में था तो उसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था, और ये क्या है, अंग्रेजी भाषा में है तो इसका भी हिंदी अनुवाद हुआ, और हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने किया था। क्या नाम दिया? जब हिंदी में अनुवाद किया तो क्या नाम रखा? उन्होंने नाम रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास उन्होंने नाम दे दिया, क्योंकि ये हिंदी का पहला, वास्तविक रूप में ये पहला इतिहास है, इसी वजह से इसे जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किशोरीलाल गुप्त ने प्रकाशित किया। और यह सन था जिस समय वो प्रकाशन हुआ, उसका सन था 1957। 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने प्रकाशित किया अपना अनुवाद, जो कारसद अतासी के इतिहास ग्रंथ का है, और किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में प्रकाशित किया, जो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद है। ग्रियर्सन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आगामी इतिहास ग्रंथों की राह प्रशस्त की। देखिए, कथन है, बहुत मोस्ट कथन है कि ग्रियर्सन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आगामी इतिहास ग्रंथों की राह जो है प्रशस्त की, यानी एक मार्ग खोल दिए। तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किसका ये कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है कि ग्रियर्सन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आगामी यानी आने वाले इतिहास ग्रंथों की लिए एक राह जो है खोल दिया, यानी प्रशस्त कर दिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो मिश्र बंधु हो जाते हैं और चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में मिश्र बंधु के यहाँ से। ठीक है, ये इतिहास ग्रंथ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा लंबा होने वाला है,
तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। यहाँ से देखेंगे हम अगले वीडियो में। आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।